अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जमात इस्लामी को कि इतने शानदार लोगों को एक साथ लाकर इतनी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जब भी आप कोई बिज़नेस शुरू करते हैं तो शुरुआत में सारे काम खुद करने पड़ते हैं, लोग मिलते नहीं आपको। तो मेरे साथ भी ऐसे था, हम लोगों ने न्यूज़ एजेंसी शुरू की थी और कुछ काम ऐसे होते हैं न्यूज़ एजेंसीज और न्यूज़ चैनल्स जो साल भर चलते हैं, एक दिन भी बंद नहीं होते। ईद हो, दिवाली हो, संडे हो, कोई भी बंद नहीं होते। तो मैं उसमें अटक गया था, रिपीटेटिव काम, एक जैसा काम रोज़, उसमें बोर भी हो जाता है इंसान। मैंने देखा यहाँ बड़ी बड़ी होटल्स हैं चाय की और रोज़ सुबह आठ के बैठ जाना पड़ता है, गल्ले पे बैठे रहते हैं, सेट दिखते हैं मुझे वो जो लोग गल्ले पे बैठे हैं बड़ी बड़ी होटल्स हैं। लेकिन तो मैं भी वैसे ही न्यूज़ एजेंसी में एक जैसा काम रोज़, छुट्टी नहीं, कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। वालिद साहब बीमार हुए, वेंटिलेटर पे रहे 18 दिन, मैं काम ही कर रहा था, उनका इंतकाल हो गया, काम चालू था, मेरी शादी के दिन भी मैं काम कर रहा था, ऐसा हुआ। तो मैं एक बुक एग्जीबिशन में गया था, वहाँ मुझे एक किताब मिली, यूज़ व्हाट यू हैव गॉट। उसमें मैंने ऑथर भी पता चला कि सेम सिचुएशन से गुजर रही थी। हम कहते हैं ना कि किताबें बातें जैसे किताबें होती हैं, तो ऐसा सब किताबों के साथ नहीं होता। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है पहले भी किसी की लाइफ में वो होगी, और उसने वो उस प्रॉब्लम से कैसे निकला, उसने उस पर कोई किताब लिख दी, 100% चांसेस है। तो उसमें वो ऑथर ने बताया कि वो भी ऐसे ही अपने काम में फंस गई थी, तो उन्होंने ये किया कि जो वो इंटरव्यूज़ लेते थे लोगों के, उनके जैसा कोई मिलता ही नहीं था, वो 100% देखते हैं हमेशा कि मेरे जैसे ही काम करे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मत देखो, आपका 80% भी अगर कोई कर ले तो आप अपना काम उसे दे दो। फिर मैंने इस हिसाब से लोग ढूंढे, लोग मिले, फिर मैं वहाँ से फ्री हुआ। तो मुझे लगा कि यार किताबों की बातों में है पावर है, मुझे लोगों को सिखाना चाहिए। और क्योंकि मैं कैमरा शाय था, मतलब ये बोलना तो मेरे लिए इम्पॉसिबल था ऐसे सबके सामने खड़े होकर माइक से, तो मैंने सोचा एनिमेटेड बनाते हैं, बुक्स के बारे में बताएंगे, बुक्स में क्या होता है एनिमेशन के ज़रिए। तो बनाना शुरू किया मैंने। और क्यों, अभी अभी आपको पता है ज़्यादातर लोगों को अपनी आवाज़ पसंद नहीं होती है, जब वो रिकॉर्ड करके सुनते हैं तो एक क्रिंज फीलिंग आती है, यार अच्छी नहीं आवाज़। मेरे साथ भी ऐसी था, पहली वीडियो मैंने मेरे दोस्त से रिकॉर्ड करवाई, हबीब भाई नाम है उनका, क्योंकि मैं अपनी आवाज़ से इतना शर्माता था। देन मैंने सोचा यार कोई भी दोस्त कब तक करेगा, तो मैंने खुद रिकॉर्ड करना शुरू किया। एंड देन लोगों को वीडियोस पसंद आना शुरू हुई, कुछ एक साल के अंदर ही मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे यूट्यूब पे। जैसा कि समीर भाई ने कहा था कि यूट्यूबर्स आपको वीडियोस देख के एड्स दिखा के कमाते, मैं वही ऐसा चलता रहा। और अब 38,00,000 टोटल फॉलोइंग देखी जाए सोशल मीडिया पर मेरी, तो 40,00,000 लोग मुझे फॉलो करते हैं। और रिसेंटली संदीप महेश्वरी का भी कॉल आया था, उन्होंने भी मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था, उनका 3rd एपिसोड देख सकते हैं आप उनके चैनल पे। तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, मैं ये एक वीडियो बनाता हूँ वीकली। हम सबको अच्छा लगता ना कहानियाँ सुनना, मैं सोचता था यार ये बचपन में कि किताबें हैं, पढ़ने का शौक नहीं है, कोई हो जो सुना दे हमें, इसके अंदर क्या है बता दे। लेकिन मैं खुद जब मैं बड़ा हुआ ये काम मैंने शुरू किया, मैं खुद इतना अच्छा नहीं था स्टोरी टेलिंग में, मेरे वॉइस ओवर स्किल्स इतनी अच्छी नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा एक एप्लीकेशन शुरू करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, जिस पे बुक समरीज अपलोड करेंगे, लेकिन वो इंडस्ट्री के टॉप पे जो लोग हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनसे रिकॉर्ड करवाएंगे। तो जो अब जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, आपने उनकी आवाज़ें मूवीज़ में सुनी होंगी, फेमस एड्स में सुनी होंगी, तो वो लोग हमारे लिए बुक समरीज रिकॉर्ड कर रहे हैं। उस ऐप पे 5,00,000 से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं और उस पर एड्स नहीं आते, लेकिन फ्री बुक्स हैं, 500 से ज़्यादा फ्री बुक्स हैं और 500 से ही ज़्यादा प्रीमियम बुक्स भी हैं। हमने उसका प्रीमियम चार्जेस रखे हैं 1,000 रुपीज़, जो लेना चाहे फ्री वालों के लिए सारा सब कुछ कर सकते हैं, फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं जो फ्री बुक्स हैं। और अराउंड 50,000 लोगों को हमने प्रीमियम बेचा है लास्ट 4 साल में, बिना बोले उन्होंने लिया है, क्योंकि उनको फ्री पसंद आ रहा है, तो वो सुनना चाहते हैं कि प्रीमियम में बुक्स में कौन सी किताबें हैं। तो इस तरह से हमने किया है। एंड मुझे पता नहीं था आपने मेरे उन्वान इनोवेटिव आइडिया कुछ रख दिया है, तो मैंने सोचा यार आइडिया तो इनोवेटिव नहीं होते, एग्जीक्यूशन इनोवेटिव होता है। आइडिया तो आपको 10 आइडियाज़ मिल जाएंगे, आपको सड़क चल तो कोई भी आइडिया दे देगा, द मेन थिंग इज़ एग्जीक्यूशन। जब आप एग्जीक्यूट करने जाते हो आपको फिर वही बात आ जाती है, लोग नहीं मिलते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि आपको लोग ही नहीं मिलते हैं वो काम करने के लिए। एंड ये इसलिए होता है क्योंकि हम सीखते नहीं, हम सोचते हैं कॉलेज की डिग्री मिल जाएगी, जॉब लग जाएगी, ऐसा होता नहीं है। इसलिए मुझे लगता है अपने बच्चों को 10वीं 8वीं 10वीं के बाद से ही
स्किल्स पे जोर देना चाहिए। कुछ जो स्किल्स चल रही हैं या आगे जो चलेंगी वो सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये रोना रोना बंद कर देंगे कि जॉब्स नहीं, जॉब्स होते हैं लेकिन स्किल्ड लोग नहीं हैं। तो ये किया है और अब मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ वहीं पे अपनी ही एप्लीकेशन पे सेलिंग सिखाने के लिए कि मैंने कैसे बेचे हैं इतने सारे लोगों को प्रीमियम बिना बोले। तो एक डिजिटल प्रोडक्ट का ये फ़ायदा होता है, आपको एक बार बनाना होता है। जैसे अचार तो आपको रोज़ बनाना होगा, रोज़ बेचना होगा। डिजिटल प्रोडक्ट आप एक बार बनाओ, आप 1,00,000 को बेचो, 1,00,000 को बेचो, बनेगा एक ही बार और वो आप सोते रहोगे तब भी लोग रात भर देखेंगे, खरीदेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे। एंड अभी मैं रिसेंटली कुछ दिन पहले हिमायत बाग में वॉकिंग कर रहा था कि एक सर आए, उन्होंने कहा कि आप मुदस्सिर खान हैं। मतलब जी, तो उन्होंने मोबाइल बताया, देखिए मैं आपकी एप्लीकेशन पे बुक समरी सुन रहा हूँ और मैंने आपको सुनकर एक बिज़नेस शुरू किया है जो बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये बातें अच्छी लगती हैं। फिर बीच में किसी ने पूछा था अमृत हलवाई कुछ प्राइवेट, हाँ तो मैंने देखिए प्राइवेट लिमिटेड भी बनाई है, मैंने पार्टनरशिप फॉर्म्स भी बनाई है, प्रोप्राइटरशिप में भी काम किया है। और आपको आपका नाम रजिस्टर करने के लिए प्राइवेट लिमिटेड करने की ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन आप ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकते हो। यस, ट्रेडमार्क से आपका नाम सेफ हो जाएगा, अगर पूरी दुनिया में कोई यूज़ नहीं कर पाएगा उस नाम को। एंड प्राइवेट लिमिटेड अगर आपको फंडिंग लानी है बाहर से या बड़े लोन्स लेने हैं, पैसा नहीं है अगर, तो आप बनाइए प्राइवेट लिमिटेड। कॉम्प्लाइंसेस बहुत होते हैं। अब समीर ज़्यादातर देखिए सीए सजेस्ट इसलिए करते हैं, समीर भाई ने इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि जब आप प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं तो ऑडिटर लगता है, सीए को बिजनेस मिलता है तो आपको 10-12,000 हर साल उसे देने हैं ऑडिट के लिए जस्ट। फिर एक सीएस होता है कंपनी सेक्रेटरी, 10-12,000 उसे देने हैं। तो आप सिंपल एक पार्टनरशिप फर्म बना सकते हो। ये इरहान भाई यहाँ बैठे हैं, ये अशोक ट्रेडर्स के अकाउंट चीफ अकाउंटेंट हैं। अशोक ट्रेडर का टर्नओवर 150 करोड़ रुपए था पिछले साल, वो पार्टनरशिप फॉर्म से बिजनेस करते हैं। और हमारे फैसल भाई, हिमरू फैब्रिक्स बड़ा फेमस ब्रांड है औरंगाबाद का, दुनिया भर के देश उन्हें बुलाते हैं और वो भी पार्टनरशिप फॉर्म के थ्रू बिजनेस करते हैं। उन्होंने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करा रखा है। तो अगर आपके पास पैसा है खुद का, लेने की ज़रूरत नहीं है अगर किसी से, आप खर्चे बचाना चाहते हो, कॉम्प्लाइंसेस में नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो वो डायरेक्टर को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, आपका डिन कैंसिल हो जाता है। डिन यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर एक लेना पड़ता है पहले, फिर कंपनी बनती। ये सब झगड़े में नहीं पड़ना है, सुकून से बिजनेस करना है तो यू आर मेकिंग अ पार्टनरशिप फर्म। तो रेहान भाई ने मुझे बताया था कम से कम 3 पार्टनर्स रखिए क्योंकि अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। ये बड़ी ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक, थैंक यू सो मच। आपसे ये समझना चाह रहे थे कि यूट्यूब के जरिए पैसा किस तरह से एग्जैक्टली आता है, कब आता है, अगर हमने चैनल चालू किया या कोई भी चीज अगर हम लोगों को बता रहे हैं तो पैसा अर्निंग कब से चालू हो, किस तरह से हो? देखिए पहली बात, हम जब भी कुछ, ज्यादातर लोग किसी को देख के शुरू कर लेते हैं कि इसने किया है, ये कमा रहा है, इसने ये कार ले ली है तो मैं भी शुरू कर लेता हूँ, मेरा भी हो जाएगा। और ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो जस्ट वो उस आदमी का देख रहे हैं जिसने कर लिया, उन लोगों को नहीं देख रहे हैं जिन्होंने कोशिश की थी लेकिन वो नहीं कर पाए। तो दोनों तरफ देखना बहुत ज़रूरी है। YouTube से अगर आपको अर्निंग शुरू करनी है, सबसे पहले आपको आपको वीडियो एडिटिंग स्किल्स आने चाहिए, वॉइस ओवर आना चाहिए, है ना। और मैं तो सजेस्ट करूँगा आप मेरी तरह एनिमेटेड ना बनाओ, ऑन कैमरा बनाओ ताकि लोग आपको पहचाने। और उसके लिए अर्निंग शुरू करने के लिए आपको कम से कम उस पर 1,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए और 2,40,000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए। तो फिर उसके बाद यूट्यूब आपका चैनल रिव्यू करता है, उसे लगता है कि हाँ आपका कंटेंट ओरिजिनल है, आप इधर उधर से कॉपी नहीं कर रहे हो, तो फिर वो अप्रूव करता है। उसके बाद आपके चैनल पे एड्स आना शुरू होते हैं। अब देखिए एड्स भी कई ऐसे एड्स आते हैं यूट्यूब पे जो बिल्कुल हराम बिजनेसेस होते हैं, बैंकिंग के आ जाते हैं, इंटरेस्ट उसमें जुड़ा हुआ, एंटरटेनमेंट के आ जाते हैं, तो आप वो भी ऑफ कर सकते हो। गूगल एडसेंस से यूट्यूब को लिंक करना पड़ता है और एडसेंस में सेटिंग्स होती है कि आप किस तरह के एड्स नहीं चाहते हो अपने चैनल पे, तो आप उस तरह के सारे डेटिंग ऐप्स हैं, बैंकिंग हैं, सब ऑफ कर सकते हो। तो इस तरह से इट डिपेंड्स, अर्निंग डिपेंड करती है टॉपिक पर। फाइनेंशियल टॉपिक है तो आपके वीडियो पे ज़्यादा एड्स आते हैं, ज़्यादा लोग एडवर्टाइजर्स एड देते हैं, उसमें महंगे एड्स होते हैं, ज़्यादा अर्निंग होती है। अगर कुछ हेल्थ रिलेटेड टॉपिक है तो उस पर लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं होते एडवर्टाइजर्स, उस पर ज़्यादा एड्स नहीं आते, अर्निंग भी वैसी नहीं होती। और अगर न्यूज़ है तो न्यूज़ की हालत तो और ख़राब है, कोई भी एडवर्टाइज़र अपने प्रोडक्ट का एड किसी भी कॉन्ट्रोवर्शियल न्यूज़ पे नहीं देना चाहता, न्यूज़ तो कॉन्ट्रोवर्सी ही होती है न्यूज़ में।
तो न्यूज़ में तो मतलब भूल जाओ कि आप कुछ कमाओगे यूट्यूब पे। जैसे आप स्टॉक मार्केट समझा रहे हो या किसी को इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे हो उस वीडियो में, इस तरह के वीडियोस पर अगर आपको 1000 व्यूज़ आए तो हो सकता है आपको $3 मिल जाए या $60 मिल जाए, 3 से 7 के बीच। मैंने पिछले 3 सालों में 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा रेवेन्यू सिर्फ एड्स से जनरेट किया है। मैंने ये पैसों के लिए शुरू नहीं किया था, आई वॉज ऑलरेडी डूइंग अ बिजनेस। मैंने बस इसलिए शुरू किया था, लोगों को बताते हैं यार अपने लाइफ चेंज हुई है किताब से, तो किताबों के बारे में लोगों को बताते हैं। या इसके अलावा जो एप्लीकेशन मैंने बताई, हमने 50,000 से ज़्यादा लोगों को प्रीमियम सेल किया। यस और कोई सवाल?